अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां मध्य प्रदेश सरकार गरीबों पर अत्याचार करने वालों को कठोर कार्यवाही का दावा करती है। वहीं अवैध उत्खनन करने वालों पर कठोर कार्यवाही के लिए भी निर्देशित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि रीवा जिले के हनवना तहसील थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत गोपला का मामला सामने आया है, जहां गरीब श्याम लाल कोल, मुन्ना लाल कोल, शिव प्रसाद कोल, राजेश कोल, भगोली कोल, रंगोली कोल के निजी एवं पुस्तैनी जमीन पर उत्खनन हो रहा है। दरअसल दबंग सुशील पटेल के द्वारा बलपूर्वक एवं जबरन जेसीबी से पटिया पत्थर का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जहां पीड़ितों के द्वारा कार्यवाही की मांग की गई है। वहीं पीड़ितों के द्वारा खनिज विभाग से अवैध उत्खनन के संबंध में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रशासन से रिकॉर्ड सहित शिकायत की गई, लेकिन गरीबों के आसियानों में जबरन अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वहीं पीड़ितों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि आरोपियों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अभी तक जिम्मेदारों के द्वारा भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया गया। वहीं लगातार दबंगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है, पीड़ितों के द्वारा न्याय की मांग की गई है। क्या खनिज माफिया को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? हमारी जमीन में 601/2 में, कौन से गांव का? ग्राम पंचायत गोपला, सुशील कुमार पटेल, पिता ब्रिज किशोर पटेल, हमारे भूमि पर उत्खनन अवैध जबरदस्ती करता है। आज 4 साल से लगातार उत्खनन कर रहा है, पुपलेन मशीन लेकर के, जेसीबी और कंप्रेसर ट्रैक्टर से पत्थर तोड़ा रहे हैं, और हम लोग मना करते हैं तो जान से मारने की धमकी देता है। माननीय कलेक्टर महोदय के पास जाकर के आवेदन दिया, उनसे विनती की, कमिश्नर साहब, पुलिस अधीक्षक, खनिज विभाग ने आवेदन दिए, लेकिन SDM साहब को कलेक्टर साहब ने आदेश दिए कि जाकर के मौका स्थल कीजिए, पटवारी कानी रोड SDM साहब जाकर के उसकी 3600 पटिया जब्त किए, लेकिन आज तक उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुआ। हम लोग न्यायालय में आते हैं तो उसकी कार्यवाही की नकल मैंने SDM साहब के पास जाता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ, आज तक हम लोगों की नकल तक नहीं दिया गया। SDM साहब ने बोले कि आप लोगों की खदान, वो जो जबरदस्ती भूमि अतिक्रमण कर रहा है, वो जबरन कर रहा है, उसको रोक लगाया जाएगा, उस पर कार्यवाही की जाएगी, वो खदान वो नहीं खोलेगा, उसके प्रति हम कार्यवाही करेंगे। आप लोग निसोच रहिए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। है जमीन का, हमारे यहाँ जमीन में उत्खनन जबरदस्ती एक सुशील नाम को पटेल कर रहा है, और उसका पिता का ब्रिज किशोर पटेल, और 2-3 साल से आवेदन मैंने कलेक्टर को दिए, कमिश्नर साहब को दिए, SP साहब को, मानिक विभाग में, तब भी कोई निगरानी नहीं हुई। ये समस्या आदिवासियों के साथ पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, जहाँ जहाँ आदिवासी की निजी पट्टे की ज़मीन है वहाँ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुछ गुंडों के द्वारा, कुछ सरकार द्वारा जबरन उसको कब्जा किया जा रहा है, और एक तरफ यह सरकार आदिवासियों को अपने उसमें मुहैया कराती है कि हम तरह तरह के प्रलोभन देती है कि हमें आदिवासियों के हित की बात करते हैं, लेकिन यहाँ खुद आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है।